रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमे की नमाज आज संगम नगरी प्रयागराज की मस्जिदों में भी पूरी अकीकत व एहतराम के साथ अदा की गई। इस मौके पर जहां मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, तो वहीं नमाज के बाद मुल्क की तरक्की और अमन चैन कायम रहने की खास दुआएं भी की गई। लोकसभा चुनाव एक हफ्ते पहले माफिया मुख्तार अंसारी की मौत और कुछ दिनों पहले ही CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू होने की वजह से इस बार अलविदा जुमे की नमाज पर प्रयागराज में खास चौकसी बरती गई। पुलिस और PAC के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई थी। सुरक्षा बलों के जवान लगातार गश्त कर रहे थे, जबकि पुलिस व प्रशासन के अफसरान मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी सड़कों पर कहीं भी नमाज नहीं हुई। अलविदा जुमे पर बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में जाते हैं, लिहाजा जामा मस्जिद समेत कई दूसरी मस्जिदों में भी आज दो बार नमाज अदा की गई। इस मौके पर शहर के चौक इलाके में स्थित जामा मस्जिद को खूबसूरती से सजाया गया था। तमाम लोगों ने इस मौके पर नए कपड़े पहन रखे थे। अलविदा जुमे की नमाज के साथ है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की तैयारियां और तेज कर दी हैं। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। आसमान में बरसती आग, लू के थपेड़ों और जबरदस्त गर्मी के बावजूद ज्यादातर लोग आज रोजा रखे हुए हैं। ईद का त्योहार 10 या 11 अप्रैल को मनाया जाएगा।